पटना रेल मेट्रो में बहुत बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे निर्माण का काम तेज होगा। और इस वक्त हम लोग पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हैं, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जरा मोइनुल हक स्टेडियम की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्माण काम शुरू होने जा रहा है। सबसे खास बात ये है कि टनल बोरिंग मशीन का उद्घाटन नीतीश कुमार कर चुके हैं, और इसी बोरिंग मशीन के ज़रिए अंडरग्राउंड जो खुदाई होती है वो चलेगी। क्योंकि 6 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड रहने वाले हैं, और ख़ासतौर से मोइनुल हक स्टेडियम की बात करें या फिर जो लोग पीएमसीए जाना चाहते होंगे उनके लिए भी अंडरग्राउंड जाने की व्यवस्था होगी। और इसके अलावा पटना का गांधी मैदान, आकाशवाणी तक अंडरग्राउंड मेट्रो रेल चलेगी, तो उसके लिए खुदाई का काम शुरू हो चुका है। और स्वाभाविक तौर पर परियोजना काफ़ी लंबी है, बड़ी है। फर्स्ट फेज़ का काम अभी पूरा होना है, 4 फेज़ों में काम पूरा होना है। और थोड़ा मशीन की स्थिति हम आपको दिखा दें, बड़े बड़े मशीन्स लगाए गए हैं, L&T कंपनी निर्माण कर रही है, और इसी मशीनों के ज़रिए खुदाई का काम होगा। और स्वाभाविक तौर पर बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना ये मानी जाती है, और लोगों को इंतज़ार है इस परियोजना का कि पटना रेल मेट्रो कब शुरू होगा। क्योंकि पटना पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है, और ख़ासतौर से इस इलाके की बात करें, मोइनुल हक स्टेडियम की बात करें, तो इसके आसपास बहुत ही सघन आबादी है, और स्वाभाविक तौर पर यहां पर फ्लाईओवर बनाना संभव नहीं था। और स्वाभाविक तौर पर ये फैसला लिया गया कि अंडरग्राउंड यहाँ पर मेट्रो रेल चलाया जाए, ताकि आसानी से जो लोग हैं वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकें। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मोइनुल हक स्टेडियम के पास की, आगे और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। वाकई बहुत ही रोचक दिलचस्प नज़ारा निकल कर सामने आने वाला है, और लोगों को जिस मेट्रो रेल का इंतज़ार है आने वाले समय में वो सपना साकार होता नज़र आएगा।